तो आपका स्वागत है एरी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है हिंदी पेपर टू, जो झारखंड का नंबर वन शॉर्ट नोट्स है, जो कि आप लोग के लिए ये क्लास 11 हो रहे हैं। क्लास 1 से 6 तक आपका महामैराथन क्लास हुआ है, जो कि प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। महामैराथन हुआ है, सारा का सारा टॉपिक है ना सिलेबस वाइज 1 से 6 तक मैराथन क्लास में है। उसके बाद क्लास वाइज बढ़ते गए हैं 7 से, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्य कुंज के निर्धारित कवि, ठीक है, विद्यापति के बारे में, ठीक है। और ये शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो एकदम आप अपने हैंड रिटन में सुंदर राइटिंग में आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। सारा प्रश्न इसी से आएगा, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो ये जो कोर्सेस अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है, फ़ी ओनली 399 है। फ़ी कितना रखा गया है? 399 है ना। पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। और जैसे सीजीएल हिंदी पेपर 2 का ये बहुत ही, अगर आप पढ़े हैं तब पर भी ठीक है, नहीं पढ़े हैं तब पर भी ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं JSSC LDC का जो है कॉम्बो कोर्स, सॉरी JSSC CGL के लिए LDC का ही कॉम्बो कोर्स है, CGL के लिए कॉम्बो कोर्स। इसमें फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, ठीक है, पेपर 2, ठीक है, सारे चीज़ अवेलेबल रहेंगे ओनली 799 में। झारखंड कंप्यूटर जी के सारे चीज़ 799 में ओनली दिया जा रहा है। देन ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप। और बात करें P2, तो यहाँ जो है P2 में हिंदी, नागपुरी और खोटा तीनों अवेलेबल है, ओनली 399 में दिया जा रहा है। और झारखंड जी के का जो है 199 में, अगर साथ में लेते हैं P2 प्लस झारखंड, देन आपको 499 में दोनों दे दिया जा रहा है। अगर इसके साथ आप कंप्यूटर GK भी लेते हैं तो आपको यहाँ जो है 549 में दे दिया जा रहा है, ठीक है। देन ज्वाइन द, या फिर डायरेक्टली भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो हैं किन के बारे में, तो विद्यापति के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों विद्यापति, जो कि मैथिल कोकिल नाम से भी जाने जाते हैं, सबसे पहला बात कि विद्यापति को और किस नाम से जाना जाता है, तो मैथिल कोकिल, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 1350 से 1374 के बीच, संदेहजनक है, ठीक है, संदेहजनक है कि इनका जन्म इतना से इतना के बीच में हुआ था, ठीक है। जन्म स्थान मधुबनी बिहार में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम श्री गणेश ठाकुर है और माताजी का नाम श्री हंसनी देवी। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि विद्यापति के माताजी का क्या नाम था, तो हंसनी, ठीक है, जिनके पास विद्या है हंसनी भी बोला जाता है, आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। गणपति, यह भी भगवान का नाम है। देन विद्यापति, ठीक है, तो सारे विद्यापति से नाम है, देन विद्या से रिलेटेड है, ठीक है। तो गणपति ठाकुर और हंसनी देवी है ना। भाषा की जानकारी जो थी, क्या क्या कौन कौन सी भाषा की जानकारी जानते थे ये विद्यापति जी, मैथिली, संस्कृत और अवहट की भाषा, ये तीन भाषा टोटली जानते थे, ठीक है। कितने भाषा? तीन भाषा ये जानते थे, ठीक है, तीन भाषा। अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रमुख कृतियाँ इनकी क्या थी। तो प्रमुख कृतियाँ जो थी इनकी, कृतिलता, ठीक है, कृतिलता, दूसरा मणिमंजरा नाटिका, तीसरा भू परिक्रमा एंड चौथा पदावली। इनका जो निधन यानी कि देहांत हुआ था, कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था इनका, 1440 से 1448 के बीच, 1440 से 1448 के बीच इनका जन्म हुआ था, निधन हुआ था। निधन का स्थान विद्यापति नगर समस्तीपुर बिहार में। विद्यापति एक श्रृंगारी कवि थे। विद्यापति कैसे कवि थे? श्रृंगारी कवि, है ना, याद रहे, विद्यापति कैसे कवि थे? श्रृंगारी कवि। इसी से सारा प्रश्न आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप हिंदी पेपर 2 पढ़ रहे हैं देन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ये नोट्स होगा। चलिए, विद्यापति मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। देखिए ये शिव सिंह के दरबारी कवि थे, ये जो थे विद्यापति जी शिव सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति का अन्य उपनाम से भी जाना जाता है, वो क्या क्या है, मैथिल कोकिला, कवि शेखर, अभिनव, जो अभिनव जयदेव, इन 3-4 नामों से जाना जाता है। विद्यापति का जो रचना था पदावली, यह बहुत ही फेमस और ज़्यादा रहा है, ठीक है।
तो पदावली के बारे में कुछ देख लेते हैं, ठीक है, पदावली के बारे में देख लेते हैं। जयदेव का गीत गोविंद तथा सूरदास का सूर सागर, इसी प्रकार की रचना विद्यापति की पदावली है। जिस प्रकार से जयदेव का गीत गोविंद है, ठीक है, तथा सूरदास का सूर सागर है, इन द सेम वे विद्यापति का पदावली है। समझ में आया? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। अगर आपने कहीं से भी नोट्स परचेज किया है तो इस प्रकार का नोट्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैं लिख के देता हूँ, झारखंड का नंबर वन शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। देन पदावली जो है विद्यापति ने मैथिली भाषा में लिखे हैं, पदावली जो है पदावली विद्यापति मैथिली भाषा में इन्होंने रचना किया है। पदावली को मैथिली भाषा में लिखने का कारण क्या था? मैथिली कोकिल कहा जाता है, यानी कि देखिए पदावली को जो उन्होंने लिखा है मैथिली भाषा में और लिखने के कारण ही विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा गया है। विद्यापति के अधिकतम पद श्रृंगार के हैं, विद्यापति के अधिकतम पद क्या हैं? श्रृंगार के हैं। विद्यापति को भक्त कवि कहने का विरोध आचार्य शुक्ल ने किया और वो बोले कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, ठीक है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, जो उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, उसी तरह विद्यापति के पद भी हैं, ठीक है। विरोध किया है आचार्य शुक्ल ने, यहाँ शक्ल हो गया है, ये भाई शुक्ल होगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देखेंगे विद्यापति का विभिन्न और बहुत सारे रचना कि इन्होंने क्या क्या रचित किया है और क्या क्या इन्होंने रचना दिया है, ठीक है। तो विद्यापति की रचना जो है, पहला जो है भाषा की दृष्टि से तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। इनके रचना को भाषा की दृष्टि से तीन प्रकार में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो देखिए इनकी रचना है कृतिलता, कृति पताका, पदावली, गया पत्तक वर्णकृत्य, शव सर्वसागर, पुरुष परीक्षा, गंगा वकावली, विभाग सार, दुर्गा भक्त तरंगणी, भू परिक्रमा, लिखावली और दान वाक्यावली। तो इस प्रकार से इनकी बहुत सारी रचना, पहला जो है ये तो समझ में आ गया कि इनकी रचना जो है बहुत है, ठीक है। विद्यापति अवहट भाषा में जो किए हैं रचना वो चीज़ देखते हैं। यह रचना गद एवं पद दोनों में मिश्रित है। पहला है कृतिलता और कृतिपताका। देखिए जो कृतिलता में इन्होंने वर्णन किया है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये जो विद्यापति के अवहट भाषाओं में रचित था रचना, वह रचना गद एवं पद में विभाजित था, ठीक है। गद एवं पद में क्या था? विभाजित था। तो जो पहला गद और पद था कृतिलता, अब देखिए कृतिलता में महाराजा महाराज कुमार वीर सिंह और कृति सिंह के युद्ध का इसमें वर्णन किया गया है कृतिलता में। और यहीं कृति पताका में राज शिव सिंह और मुस्लिम आक्रमणकारियों के युद्ध का वर्णन है। आप ये दोनों में डिफरेंस समझ चुके होंगे। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य में विद्यापति का स्थान पदावली रचना के चलते ही प्राप्त हुआ है, इनका ये मुख्य रचना है, ठीक है। गोरक्ष विजय, नेक्स्ट है गोरख विजय नाटक विद्यापति की रचना है। नेक्स्ट विद्यापति का जन्म जो है एक्यूरेट 1352 में दरभंगा में हुआ था ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो विद्यापति के पत्नी का क्या नाम है? सुशीला नाम है। काव्य, इनकी काव्य की विशेषता क्या है? भाषा जो है मैथिली भाषा का प्रयोग किए हैं और रचना जो है जय जय भैरवी ना मैथिली एवं अवहट भाषा में इन्होंने किया है। विद्यापति के समय में संस्कृत भाषा का चलन था, तो इनके समय में किसका चलन था? तो संस्कृत भाषा का। विद्यापति संस्कृत बारे में बोले, संस्कृत जो है प्रबुद्ध जनों की भाषा है तथा इस भाषा के आम जनों को जो है सारोकार नहीं है, ठीक है। शैली जो है इनका कैसा है? तो
श्रृंगारिक, ठीक है, इनका जो शैली है श्रृंगारिक कवि के रूप में मानते थे विद्यापति को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में स्थान मैथिली को सर्वोपरि कवि कहा गया है, ठीक है। तो आपको ये क्लास कैसा लगा दोस्तों, ये क्लास ज्वाइन करें एडी क्लासेस ऐप पे और एडी झारखंड क्लासेस पे, टोटल फ्री क्लास है, देन ज्वाइन द एडी झारखंड क्लासेस। आप लोग केवल वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।